डीनबाना में हर साल की भांति इस साल भी हजरत अल्लाह मौलाना अब्दुल गनी पीर बाबा का 3 दिवसीय उर्स उल्लास के साथ मनाया गया है। इसी कड़ी में सैफुल्लाह खान बिन फैजुल्लाह खान सांभरी ने बताया कि उर्स में क्षेत्रीय जारियनियों के अलावा रतलाम, जाबरा, उज्जैन, इंदौर जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जारीनों ने शिरकत की है। उन्होंने कहा कि 19 जनवरी को झंडे की रस्म के साथ ही उर्स शुरू हो गया था और 20 जनवरी को नागौरी गेट मस्जिद लोहारान के पास से शाम कब्बाली के साथ चादर का जुलूस निकाला गया, जिसमें विभिन्न इलाकों से आए हुए जायरीन ने शिरकत कर अमन और मोहब्बत के साथ वतन की खुशहाली की दुआ की है। जानकारी के अनुसार 21 जनवरी को सुबह कुरान खानी के बाद खिदमत गारों की दस्तारबंदी की गई है और कुल शरीफ के बाद 3 दिवसीय उर्स मेले का समापन किया गया है। डीनबाना से मोहम्मद शाकिर की रिपोर्ट। 3 दिवसीय उर्स का आज समापन हो चुका है और यहाँ पर जो कुल की रस्म है वो भी अदा हो गई है। तो ये किस तरह से हुआ, कितने लोग जायरीन आए, कहाँ कहाँ से आए, ये इसकी आप जानकारी? ये पीर सैयद अब्दुल गनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का 52वां उर्स मनाया गया था और ये उर्स रंग और महफिल कुल की महफिल के साथ आज इख्तिताम यानी समापन हो चुका है और इस उर्स मुबारक में काफ़ी दूर दराज से जायरीन शिरकत के लिए आए हैं, जिसमें देवास, रतलाम, सागौर, बदनावर, उज्जैन, नागदा, बेटमा और उसके अलावा जयपुर, मकराना, कुचामन, नावा, जोधपुर के जायरीन भी इस उर्स में शिरकत के लिए आए हैं और अपनी दुआएं इस दर मखसूस से जो है भर कर के जा रहे हैं, अपनी मुरादें पा रहे हैं।